नमस्ते, हम आपको एनीमिया नामक एक बीमारी के बारे में आज बताएंगे। ये बीमारी जो है ये खून की कमी से होती है। खून की कमी भारत देश में सामान्य रूप से पाई जाती है, खासकर महिलाओं में बहुत सामान्य रूप से ये पाई जाती है। खून बनाने के लिए आयरन नामक एक पदार्थ की ज़रूरत होती है जो हीमोग्लोबिन बनाता है, जो अपने खून के लाल पेशियों में पाया जाता है। ये लाल पेशियाँ शरीर के अन्य भागों को ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो हम CBC नामक एक टेस्ट से करते हैं 12 से 14 के बीच में माना जाता है। जब ये हीमोग्लोबिन 10 से नीचे गिर जाता है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया जो है ये गर्भवती महिलाओं में अधिकतर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं जो है उनका कुछ आयरन जो है वो बच्चे को खून बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस वजह से उनके खून में गिरावट ज़्यादा तेज़ी से होती है। नॉर्मल महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके खून में 2 ग्राम हीमोग्लोबिन की गिरावट होती है। तो इस वजह से गर्भवती महिलाओं को अपने खुराक का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। खाने में हरी सब्जियाँ और खजूर, गुड़, चने की चिक्की, बीट, चुकरकंद जैसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। लोहे की कढ़ाई में खाना पकाना चाहिए जिससे कि उनको खाना जो है उसमें लोहा मिल जाए और उनके खून की कमी जो है वो ठीक हो जाए। खासकर जो महिलाएं अपने खुराक पे ध्यान नहीं दे पाती उनको अपने डॉक्टर को सलाह मशवरा करके CBC नामक टेस्ट कराना चाहिए, और प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान खून बढ़ाने की गोली जो होती है वो नियमित रूप से लेनी चाहिए। नियमित रूप से उसका सेवन करने से एनीमिया की जो वारदात है वो कम हो जाती है। आपको एनीमिया है ये आप कैसे पहचान सकते हैं? आपको अगर थकान ज़्यादा होती है, कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, थोड़ा चलने पे अगर आपको सीने में धड़ मालूम होती है, सिर में दर्द होता है, हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आप एनीमिया के शिकार हैं। तो ऐसे में आपको देखना चाहिए कि वो एनीमिया आयरन की कमी से है, विटामिन B6, B12 की कमी से है। ये सब आपके डॉक्टर के पास जाके आपको चेक कराना चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं जिनको ऐसा एनीमिया होने का संभावना ज़्यादा है? उन महिलाओं को जिनको माहवारी के दौरान ज़्यादा खून जाता है, खून का गांठ गिरता है, 6 दिन से अधिक महीना आता है, या फिर वो महिलाएं जो कम अंतर पे बार बार जिनको गर्भवती जो होती है, या जिनको एक बार में एक से अधिक बच्चे होते हैं जैसे ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, इन लोगों को खून की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है।